परंतु करम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक में उसे क्रेडिट ये जाहिर करता हूँ कि आज की आपातकालीन मीटिंग यहीं पे बर्खास्त होती है। चलो भाई चलो देखिए रुकिए देखिए मेरा सच में जाने का मन नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप सबका जाना कैंसिल हो जाएगा, ये भी मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आप सबके साथ सिंगापुर आने के लिए तैयार हूं। अरे हाँ वो तो बताना भूल ही गया, हम सब सिंगापुर इस महीने के आखिरी हफ्ते में जा रहे हैं। ओ तेरी, ओ यार इस महीने के आखिर में तो जाना पॉसिबल नहीं है, गोगी पुत्र का स्टडी टूर तो पहले से ही बुक है। इस महीने के आखिरी हफ्ते तक सोनू भी वापस नहीं आएगी तो हम दोनों कैसे जा पाएंगे? अरे हाँ सोनू नहीं आएगी ना तो भूल ही गया मैं। मेरे ऑफिस में भी फॉरेन से डेलीगेशन आ रहा है, मैं भी नहीं आ सकता हूँ। हाँ बबीता कोमल मैं भी नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है कि मेरे पेशेंट है ना मिस्टर शर्मा, उसी वक्त उनकी सर्जरी है और उनके डॉक्टर होने के नाते मुझे उनके साथ रहना होगा। पापा आप नहीं जाओगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। ये लो जेठालाल तुम्हारी कलंक वाली बात सुन के मैंने हाँ बोला, पर यहाँ अब एक एक करके सब लोग ना बोल रहे। पोपटलाल मैं नहीं जा रहा हूँ पर कोमल और गोली जरूर जाएंगे। कोमल तुम दोनों जाओ वहाँ एंजॉय करो, बस मुझे आने के लिए फोर्स मत करो। पर हंस कोमल मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को जाने का बड़ा मन है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरी वजह से ना जाओ। जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Come on, जाओ ना प्लीज। Okay, हाँ। Thank you, पापा, I'll miss you. ओ यारो, हम लोग तो नहीं आ पाएंगे। क्या है ना गोगी पुत्र का जो स्टडी टूर है उसकी टिकट आने जाने की हो चुकी है और बेंगलोर स्टडी टूर 6 महीने पहले से इसका प्लान हो गया था। यारो पांडो ने गोगी टिकरा तू स्टडी टूर होकर आ, हम लोग तेरे बिना सिंगापुर नहीं जाएंगे। अरे मम्मी पापा आप लोग सिंगापुर जाओ और देख कर आओ कैसा है, अगर आप लोगों को मजा आया तो हम सब फिर से सिंगापुर चलेंगे। यार गोगी अगर तू नहीं आएगा तो हमें भी मजा नहीं आएगा। हाँ। और अगर तू नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ यार टप्पू यार समझना मुझे गड्डी की बड़ी फैक्ट्री में जाना है और तुम लोग दोनों तो जानते ही हो मैं ये कोर्स करने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। फिर भी यार गोगी तेरे बिना मजा नहीं आएगा यार। ये तुम लोग सिंगापुर में मजे करो, मैं अपनी ट्रिप में मजे करूंगा और हाँ तुम लोग मुझे फोटो जरूर भेजते रहना। Come on guys, cheer up, Singapore! अच्छा ठीक है हम जानते कार्स के लिए तेरा पैशन, तू वहां एंजॉय करना हम सिंगापुर में एंजॉय करेंगे। नहीं गोगी पुत्र तू नहीं होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा यार। पापा आप लोग सिंगापुर जाओ मजे करो, आप लोगों को मेरी कसम है। कसम क्यों खिला दी पुत्र? आप लोग सिंगापुर जाओ। ठीक है पुत्र हम सब सिंगापुर होके आते हैं और बाद में हम तीनों मिलके फिर से सिंगापुर जाएंगे। Yes! भिड़े भाई माधवी भाभी सोनू भी अपने वर्कशॉप में एंजॉय कर रही होगी, अगर उसकी वजह से आप लोग नहीं आए तो उसको जरा पन अच्छा नहीं लगेगा।
माधवी भाभी आपको आना ही है, बस मैंने कहा आपको आना ही है प्लीज। ठीक है, अभी सोनू की याद तो बहुत आएगी हमें, पर अब सब कह रहे हैं तो आ रहे हैं हम लोग। अय्यर देखो अभी सब लोग आ रहे हैं तो तुम भी छुट्टी ले लो ना प्लीज। नहीं बबीता सॉरी, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेन से बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, आई हैव टू स्टे हियर, प्लीज तुम जाओ। अय्यर अय्यर दिस इज नॉट फेयर। फाइन ठीक है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा कैसे चलेगा, नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा बबीता जी। अरे अय्यर भाई बोल दो ना छुट्टी का, ऐसा क्या कर रहे हैं आप, सब साथ में होंगे तो मजा आएगा ना। जेठालाल मैं जानता हूँ कि सिंगापुर में बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं सच में नहीं आ पाऊंगा। ओके फाइन तो हम दोनों सिंगापुर नहीं आ रहे। नहीं नहीं बबीता जी देखिए अय्यर भाई की तो मजबूरी है इसलिए नहीं आ रहे, आपकी क्या मजबूरी है, आइए ना प्लीज। देखिए माधवी भाभी, रोशन भाभी, कमल भाभी, अंजलि भाभी, जरा समझाइए ना बबीता जी को। कमल बबीता यू विल हैव टू कम। बबीता तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगी ना तो महिला मंडल में से कोई भी नहीं आएगा। अरे सुनिए, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो हम लोग उधर जाके क्या करेंगे, और प्रोग्राम कैंसिल यार। बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्या बबीता जी, देखिए ना अब आप नहीं आएंगे तो फिर सब कैंसिल कर देंगे एक एक करके आसनों को। देखो बबीता तुमको जाना चाहिए, तुम नहीं जाएगा ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं बहुत गिल्टी फील करेगा। ओके फाइन, तुम्हारे बिना तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ, पर अगर मेरे ना जाने से सबका जाना कैंसिल हो रहा है तो मैं वो भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए आई कम अलोंग। जिठा जी आप दया भाभी को भी बुलाइए ना प्लीज, सिंगापुर में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ जिठा भाई, वैसे भी दया भाभी को गए बहुत टाइम हो गया, अब उनको बुला लीजिए मजा आ जाएगा। हाँ पापा, मम्मी को भी बुला लीजिए ना, बहुत मजा आएगा। बेटा आज सुबह मेरी मम्मी से बात हुई तो वो अपनी मम्मी के साथ गोकुल मथुरा वृंदावन यात्रा पे गई है, 15-20 दिन का प्रोग्राम है तो वो तो आना मुश्किल है दया का तो। ओ पिघलनी जड़ा ब्रा, वो एक काम करेंगे हम लोग सिंगापुर होके आते हैं और फिर से दोबारा जाएंगे, जो जो हमारे साथ सिंगापुर नहीं जा रहे हैं उनको साथ में लेके। ठीक है तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी है आपातकालीन मीटिंग में जाहिर करता हूँ कि जो लोग किसी कारणवश नहीं आ रहे उन्हें छोड़कर बाकी सब लोग सिंगापुर जा रहे हैं। सबसे निवेदन है कि अभी घर जाके तैयारियां करें, पैकिंग वैकिंग शुरू कर दे, लेकिन सबके पासपोर्ट मेरे पास जमा करवा दे। हाँ बोला गणपति बाप्पा। येलो टी शर्ट के साथ ये भी डालना। हाँ बेबी मलाइका रख देना सारे कपड़े। हंस हम जा तो रहे हैं पर तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। कोमल अगर तुम नहीं गई ना तो मैं भूख हड़ताल पे उतर जाऊंगा। क्या पापा कुछ भी हंस, धमकी ऐसी दो जिसपे हम यकीन कर सके। But actually, हंस, ज़्यादा चिंता तुम्हारे खाने पीने की है। अरे कोमल, तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, उसका तो मस्त इंतजाम हो चुका है। क्या मस्त इंतजाम हो गया बाबा? महाटिफिन। महाटिफिन? हाँ, मेरी जेठा भाई से बात हो गई है, उन्होंने पद्मावती भोजनालय में कह दिया है वहाँ से स्पेशल महाटिफिन आ जाएगा मेरे लिए। पद्मावती भोजनालय का महाटिफिन? पापा आपके तो मजे हैं। बेटा देखो तुम लोग सब सिंगापुर जा रहे हो ना तो वहाँ खूब मजे करना।
और तुम्हें पता है वहाँ सिंगापुर में ना घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। ओ बल्ले 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 अभी सिंगापुर चल ले। ओ बल्ले 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 अभी सिंगापुर गया। ओ यार सोनिए इसको यहाँ रख, इसको बंद करो। ओ तेरी पैकिंग हो गई, और फिर भी अगर कुछ रह गया ना तो सिंगापुर से तुझे दिलवा दूंगा। अभी एक जप्पी तो बनती है यार। मम्मी पापा पैकिंग सब हो गई। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं निक्रम, मुझे तो हेल्प की जरूरत नहीं है। मारी तो बड़ी पैकिंग थई गई छे। लेकिन तेरे पापा के आखिरी पैकिंग अभी बाकी है, उसको पूछ, उसको कुछ हेल्प चाहिए क्या? अरे कोई नहीं, मैं और पापा फटाक से पैकिंग कर देंगे। ओ ये बात हुई ना पुत्र। गोगी निक्रम, काश मैं तेरी पैकिंग भी कर पाती, तू भी हमारे साथ सिंगापुर चलता। लेकिन तेरा प्रोजेक्ट बीच में आ गया। तेरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट होता ना तो तुम हमारे साथ सिंगापुर चलता, कितना मजा आता। मजा तो आता, लेकिन प्रोजेक्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तिपंचे आप लोग जाओ और खूब मजे करना, मैं प्रोजेक्ट में मजे करूंगा। अरे वाह गोगी पुत्र, तू तो दिल खुश कर देता। ऐसे खुद मुख्तार बच्चे ही शेर बनते हैं सुनिए। ओए गोगी पुत्र, तू कह रहा है इसलिए मैं मान रहा हूं, वरना तेरे को सिंगापुर लेके ही जाना था। लेकिन पापा सिंगापुर से आपको मेरे लिए एक मस्त वाला गिफ्ट लेके आना पड़ेगा। ओए अभी कोई कैंडी गला गोगी पुत्र, ओए अपने पुत्र के लिए बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट लेके आऊंगा मैं सिंगापुर से। हां सुनिए। हां हां लेकर आएंगे। अब हो गया ना तुम दोनों का, अब आपकी पैकिंग शुरू करें। ओए सुनिए, अभी तो गोगी पुत्र आया है तो इसके साथ भंगड़ा तो बनता है ना। बल्ले 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 बल्ले। तारक आप ये येलो वाली टी शर्ट ले लू। हाँ ले लू ले लू। और ये रेड वाली ले लू फुल स्लीव्स। हाँ ये भी ले लू, ये भी ले लू। और तारक आपकी जीन्स ज्यादा लू कि 3/4? अंजलि जो चाहो ले लो, तुम्हें मेरी पसंद का पता है ना, मेरे सब कपड़ों का पता है, जो मुझे पसंद है वो ले लो। और प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करो, मुझे आर्टिकल लिखना है, सिंगापुर जाने से पहले लिख के देना, बहुत जरूरी है प्लीज। पर आपने तो कहा था कि आधे घंटे में मेरा सारा काम फिनिश कर लूंगा, अभी ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया। अंजलि क्रिएटिव काम है, टाइम लग जाता है, अपने हाथ में नहीं होता है। मुझे तो ना कभी कभी आपकी क्रिएटिविटी मेरी सौतन लगती है। क्या कहा तुमने, फिर से कहना? आपकी क्रिएटिविटी मुझे कभी कभी मेरी सौतन लगती है। वाह क्या बात है। ये देखो मैं यहाँ आह भर रही हूँ और आप वाह वाह कर रहे हैं। अरे अंजलि तुम्हारी इस बात ने मुझे मेरे आर्टिकल के लिए विषय दे दिया, अब मैं इस पे लिखूंगा। क्या? आप सौतन पे आर्टिकल लिखेंगे? नहीं 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 सौतन नहीं अंजलि, पति का जीवन और पत्नी का दृष्टिकोण। चलो अब पैकिंग करते हैं, मुझे कुछ किताबें भी लेनी है पढ़ने के लिए। आपको जो लिखना है वो तो फिनिश कीजिए। अरे अंजलि लिख दूंगा, विषय ढूंढने में वक्त लगता है, लिखने में वक्त नहीं लगता। एक बार विषय मिल गया फटाफट लिख दूंगा। लेकिन एक बात अंजलि, तुम्हें भी अजीब लग रहा होगा, कितना अजीब है ना, हम लोग सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन भेज रहा है, क्यों जा रहे हैं कुछ पता नहीं। तारक इतना सारा सोचेंगे तो कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप पहले मेरे साथ चलिए और फटाफट पैकिंग फिनिश कीजिए। चलो 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 जल्दी चलो। दादाजी पापा हम सबकी टिकट आ गई है और मैंने वेब चेक इन भी कर दिया है। क्या कर दिया है? दादाजी वेब चेक इन मतलब मैंने इंटरनेट से हम लोग फ्लाइट में कौन सी सीट पे बैठेंगे वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बुढ़ा वो जैसे ट्रेन में वो पहले से सीट नंबर देते हैं वैसे इसमें नहीं देते? नहीं दादाजी। क्यों? क्योंकि दादाजी जाने से एक दिन पहले हम लोग वेब चेक इन करके अपनी पसंद की सीट सिलेक्ट कर सके इसलिए। अरे वाह वाह चल भाई चल पैकिंग कर तू। हाँ बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए, मैं आपकी पैकिंग कर दूंगा। नहीं भाई तेरा भरोसा नहीं है, तू कुछ भूल गया तो? अरे कुछ नहीं भूलूंगा बापूजी। क्या कुछ नहीं भूलूंगा, याद है ना वो एक बार हम बचाव जा रहे थे तू तो मेरी धोती डालना ही भूल गया था बैग में। नहीं नहीं मैं भूल नहीं गया था, वो क्या हुआ गलती से धोती की जगह मैंने चद्दर रख दी थी, तो क्या चद्दर भी सफेद धोती भी सफेद इसलिए थोड़ी गलती हो गई। तो इस बार भी ऐसी गड़बड़ कर दी और धोती लेना भूल गया तो मैं सिंगापुर में धोती कहाँ ढूंढता फिरूंगा। बापूजी सिंगापुर में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ साउथ इंडियन लोग इतने रहते हैं ना कि वहाँ तो तरह तरह की बहुत सारी लुंगी मिलती है। तू क्या चाहता है मैं सिंगापुर में लुंगी पहन के घूमू? नहीं मतलब अगर मैं धोती रखना भूल गया मैं भूलूंगा ही नहीं। ये लीजिए एक मिनट, हाँ ये आपकी धोती, ये मैं इधर रख दी बस। अच्छा बापूजी मैं वो तौलिया साबुन वो सब पैक नहीं करता, वो तो वहाँ होटल में मिल जाएगा। हाँ भाई पता है तू खाली हांगकांग गया है, मैं हांगकांग के साथ साथ पेरिस भी जाके आया हूँ। तो खाली हांगकांग का बापू जी, उसके पहले मैं सबसे पहले मैं लंदन गया था। हाँ बहुत सारू चलो अभी पैकिंग कर। हाँ अरे पापा आपने दादाजी का सर में लगाने का तेल लिया ना?
मुझे पता है ना, रोज सुबह नहा के मैं बालों में तेल डालता हूँ। हाँ हाँ बाबू जी सॉरी, वो तेल भूल गया मैं रख दूंगा बाबू जी, सॉरी सॉरी मैं भूल गया। अरे कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, तुमने अपनी गलती मान ली यही बहुत बड़ी बात। बाबू जी पैकिंग कर भाई जल्दी। हाँ टप्पू एक काम कर, तो सब बाकी के कपड़े इसमें रख दे, मैं सबके लिए चाय बनाता हूँ। हाँ लेकिन चाय में शक्कर डालना मत भूलना। पापू जी नहीं 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 बोलूंगा। हाँ 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 मैं करता हूँ। अभी जा ये लो कॉफी। ओह वन सेकंड, थैंक यू सो मच अय्यर, थैंक यू। ऑल वेलकम अय्यर, मैं तुम्हें वहाँ पे बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुमको बहुत मिस करेगा बबीता, तुम्हारे साथ मैं नहीं आ पा रहा हूँ, सॉरी। व्हाट सॉरी अय्यर, हर बार तुम्हारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है और तुम मेरे साथ ट्रिप पे नहीं आ पाते हो। लास्ट टाइम तुम्हारी फ्लाइट छूट गई और इस बार तुम्हारे ये फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे। व्हाट इज दिस अय्यर? अभी बबीता, फॉरेन से डेलीगेशन का आना, सिंगापुर का ट्रिप, ये दोनों सडनली सेम टाइम पर आ गया, अभी क्या कर सकते हैं? और तुमको तो मालूम है कि मेरे को छुट्टी लेने के लिए एक महीना पहले ऑफिस में नोटिस देना पड़ता है। या फाइन, आई नो दैट। अरे बबीता तुम फिकर मत करो, तुम मस्त घूमने के लिए जाओ, और सिंगापुर तो तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन है, तुमको ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए, तुमको जाना चाहिए बबीता। बबीता प्लीज मेरे लिए। अय्यर मैं जा तो रही हूँ पर मेरा मन यहीं पे रहेगा। और मेरा मन भी तुम्हारे पास में ही रहेगा, और फिर सिंगापुर में तो कितना सब कुछ देखने के लिए है, तुमको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और जब भी थोड़ा टाइम मिले तो मेरे को कॉल कर लेना। बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी। अरे वीडियो कॉल करूंगी। चलो आइएगा, मैं जाके अभी पैकिंग कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा सारा पैकिंग रह जाएगा। बस मैं हमेशा फिर लेट हो जाऊंगी, एंड जस्ट डू इट। बबीता तुम्हारा सारा पैकिंग मैं करेगा। रियली? यस। दैट्स अ स्वीट ऑफ यू अय्यर। यू टू। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, तो फिर तुम मेरा सनस्क्रीन पैक करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पे बहुत गर्मी है और तुम्हें पता है कि मैं सनस्क्रीन के बिना कहीं नहीं जाती हूँ। ओके? हाँ, वो मैं सबसे पहले रख देगा। ओके, ठीक है, तो तुम पैकिंग करो और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ? तुम किधर जा रहा है? एक्चुअली हम सब लेडीज ने तय किया कि हम लोग पोपट भाई के लिए पैकिंग करेंगे। हाँ राइट, वो पोपटलाल का हालत ऐसा है कि वो खुद का तो पैकिंग करेगा नहीं। एग्जैक्टली तुम सब लोग जाओ उसका हेल्प करो, मैं तुम्हारा पैकिंग करके रखता है। थैंक यू, न्यू द स्वीट, बाय बाय। आप सब आप ही के काम के लिए आए हैं, बस अभी पता चल जाएगा। Yes. So ladies, let's start. अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे आप लोग कर क्या रही हैं? अरे बहनों, अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे आप लोग क्या कर रही हैं? ये क्या पोपटलाल भाई, ट्रैवलिंग के लिए आप यही बैग यूज करते हैं ना? हाँ यही कर रहा हूँ, लेकिन अरे क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब? ट्रिप के लिए पैकिंग में आपकी हेल्प करने आए हैं। अरे पर क्यों, मैं कर लूंगा, सुनिए मेरी बात। पोपट भाई आप कुछ मत कहिए और यहाँ पे आके चुपचाप से खड़े हो। सिंगापुर जिसे पूर्वी देशों का मोती कहा जाता है, जो खूबसूरत फूलों बगीचों का देश है, जिसे द लायन सिटी कहते हैं, वही वही खूबसूरत सिंगापुर हम लोग जा रहे हैं। गोकुलधाम निवासी बहुत उत्साह उमंग के साथ सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर लीजिए, बोरिया बस्तर बांध दीजिए और चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस खूबसूरत देश की सैर कराने वाले, नजारे दिखाने वाले, खूब मस्ती खूब धूम होगी वहां पे। लेकिन अब भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर हम लोगों को कौन लेके जा रहा है सिंगापुर। आप लोग सिर्फ आम खाइए, गुठलियों की चिंता मत कीजिए। सुना आपने, वही बात, आम खाइए गुठलियों की चिंता मत कीजिए, तो ठीक है ना भाई, आम खाते गुठलियों की चिंता नहीं करते, तो आप तैयार हो जाइए सिंगापुर चलने के लिए, खूब धूम खूब मस्ती खूब नजारे खूब हंसी खूब खुशी खूब ठाक है, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.